नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार ई कल्याण स्कॉलरशिप के बैंक वेरिफिकेशन और फाइनल समिट के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा 2021 में पास किए हैं और उन सभी ने बिहार ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म को फिलअप किया है और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आने के बाद उसने जो है फॉर्म का फाइनल सबमिट कर दिए हैं, तो ऐसे में आप सभी को जैसा कि पता है कि फाइनल सबमिट के बाद बैंक वेरिफिकेशन का काम होना था, तो ऐसे में जो है आप कैसे पता करेंगे कि आपका फॉर्म का फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ या अंडर प्रोसेस में चला गया है और बैंक वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है ये भी अंडर प्रोसेस में चले गया है, तो यहाँ पर जो है कैसे आप इसका जो है चेक करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कैसे आप अपना जो है यहाँ पर फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पोर्टल जो यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ से जो है आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से देखने को आपको मिलता है, सिंपली इसी बटन पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा तो पोस्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाता है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से जो है आप अपना चेक कर पाएंगे कि आपका जो है बैंक वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है और आपका जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट फॉर्म का हुआ या नहीं हुआ है, सारी जानकारी यहाँ से A to Z प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है आपको स्टूडेंट लिस्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको क्लिक हेयर वाले बटन पर यहाँ से क्लिक करना है। ध्यान पूर्वक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा आपका बैंक वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है, पर जो है ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है आपको सीरियल नंबर, जो कि जितना स्टूडेंट रहेगा उसका यहाँ पर सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नाम देखने को मिलता है, फादर नेम में फादर यानी कि उन सभी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर पिताजी का नाम देखने को मिल जाएगा। मदर नेम में जो है यहाँ पर उसका मम्मी का नाम देखने को मिल जाता है। अकाउंट नंबर का 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएगा, जो स्टूडेंट आवेदन किए हैं उन्हीं सभी का यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिसमें आपने आधार कार्ड दिए थे आधार नंबर को, तो यहाँ पर आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। आपने यदि यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो ऐसे में यहाँ पर देखिए देखने को आपको मिलता है ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस में। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपको जो है आपके डिटेल्स के आगे सबमिटेड इस प्रकार से दिखाया गया, यानी कि फाइनल सबमिट आपका हो गया, ये ग्रीन कलर में चेक बॉक्स इस प्रकार से यहाँ पर मार्क लग जाएगा। इसी प्रकार से बैंक वेरिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट स्टेटस में आपको देखने को मिलता है प्रोसेस फॉर फाइनलाइज, ठीक है, इस स्टूडेंट ने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पर प्रोसीड में इसका फाइनलाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सबमिटेड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सबमिटेड एंड यहाँ पर प्रोसीड फॉर बैंक वेरिफिकेशन, इसका जैसे ही बैंक वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वैसे यहाँ पर पेमेंट को भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर जो है जितना भी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा प्रोसीड फॉर फाइनलाइज। जब आपका यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जैसे फाइनलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जिसका भी हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा प्रोसीड में चले जाता है और ये ग्रीन कलर में आपका यहाँ पर चेक बॉक्स लग जाएगा, और जिसका भी प्रोसेस में है तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लू कलर में, और जिसका यानी कि काम होने वाला है तो यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है सबमिटेड एंड यहाँ पर इन प्रोसीड फॉर बैंक वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से जिसका भी देखने को मिलेगा तो वो निश्चिंत रहे, उन सभी का यहाँ पर पेमेंट भी आगे रिलीज कर दिया जाएगा, तो आपको पेमेंट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और किसी का रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर इस प्रकार से रिजेक्ट देखने को मिलेगा, और जिसने फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो प्रोसीड फॉर फाइनलाइज देखने को मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है, तो थोड़ा वेट करना है। अगर इसका काम हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तब आपका पेमेंट यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर जो है चेक करने का, अगर आपका भी ऐसा शो होता है तो आप चेक कर लें। यदि जो है आपका सबमिटेड यहाँ पर नहीं है तो आप दोबारा से सबमिटेड करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका रेड कलर में यहाँ पर दिखाएगा, और जिसका सबमिटेड हो गया है यहाँ पर जो है ग्रीन कलर में इस प्रकार से शो करेगा। ये कुछ यहाँ पर जो है कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन।